Rockies is the most best ever platform in OTT cinemas. मैं आपको बोलना चाहूंगी क्योंकि टॉकीज पर आप कुछ भी कहीं भी कहीं पर बैठकर देख सकते हैं, आप रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं, नॉट इवन इन दिल्ली, नॉट इवन इन इंडिया, आउट ऑफ स्टेट, और यू नो आप कहीं भी बैठकर देख सकते हैं, आप अपनी तरह से इसको चला सकते हैं, अपनी तरह से इसको चला सकते हैं, बता सकते हैं, यू नो ये आपका प्लेटफॉर्म है जो आपको स्टार बनाता है। टॉकीज के बारे में एक शब्द, ये टॉकीज बहुत ही यूनिक शब्द है, राइट। टॉकीज की शुरुआत मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं 90s में जाना चाहूंगी। फिलहाल 90s में जब फिल्मी दुनिया की शुरुआत हुई, उस वक्त कुछ भी यू नो शब्द नहीं थे, सिर्फ फिल्म जो होती थी वो देखने के लिए होती थी, राइट। हम लोग देखते थे बट वो लोग बोलते नहीं थे तो हम सुन नहीं पाते थे। जब आगे बढ़ी इंडस्ट्री तो नाम पड़ा टॉकीज। टॉकीज मींस टॉक एंड आई, राइट। एम आई राइट? राइट। तो टॉकीज बहुत ही यूनिक नेम है, बहुत ही प्यारा नाम है, और इसमें सबसे ज्यादा बेस्ट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आप जो किसी भी लैंग्वेज में इसमें सीरीज देख सकते हैं। अमेज़न प्राइम की जो भी सब्सक्रिप्शन होते हैं अभी फिलहाल बहुत महंगे होने लगे हैं, राइट, बट टॉकीज का जो सब्सक्रिप्शन है वो अब पॉकेट फ्रेंडली है, आप बहुत इजीली इसको अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप प्ले स्टोर पर भी है और iOS पर भी है, ऐप स्टोर पर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फोन में ले सकते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए टॉकीज के लिए, कम ऑन एवरीवन। साथ ही हमारे बिग कजन्स इन्फो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए भी बहुत जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि इसी के वजह से टॉकीज हमारे बीच में है, जिसे हम कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर देख सकते हैं। आई एम द स्टार, यू आर द स्टार ऑफ योर टॉकीज, एक बार जोरदार तालियां हो जाए, कम ऑन एवरीवन। टॉकीज सिर्फ एक ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं है, लेट मी टेल यू, टॉकीज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको अमेज़ॉन पर वेब सीरीज देखने के अकॉर्डिंग हम इसको लेकर आए हैं, नहीं। टॉकीज पर आप कुछ भी पहले का देख सकते हैं, राइट। हमारे पास काफ़ी मूवीज ऐसी होती हैं जो हम लोग सिनेमाज में जाकर देखते हैं बट उनको इन्जॉय नहीं कर पाते, कई बार हम लोग बातें करने में रह जाते हैं, बट उसको रिपीट टेलीकास्ट में नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, राइट, नहीं देख सकते ना, तो उसको आप टॉकीज पर देख सकते हैं। टॉकीज बहुत ही यूनिक है और बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली है, अगेन आई एम टेलिंग यू, तो ऐप स्टोर पर, प्ले स्टोर पर आप इसे डाउनलोड जरूर कीजिएगा। क्या होने वाला है, कैसी होने वाली है, बट अब सीरीज के बारे में एक बार थोड़ा सा जान लेते हैं कि बेदाद आखिर किस तरह की सीरीज होने वाली है। इनके पैसे तो कटेंगे, ये बार बार माइक मुझे दे रही। आर्यन, बेसिकली एक बेदाद की एक लंबी स्टोरी है। बेदाद आर्यन 1.5-2 साल पहले मिले थे, तो ये पहले इसकी फिल्म बनाना चाह रहे थे कि हम इसकी फिल्म बनाएंगे और इसको हम रिलीज़ करेंगे बिग कर्टन्स मीडिया पे। फिर सडनली प्लान चेंज हुआ, हमने ओटीटी का डिज़ाइन किया और साथ साथ इन्होंने जो है इसको वेब सीरीज़ में कन्वर्ट किया, उसकी राइटिंग और उसका पूरा पैटर्न चेंज किया, और क्रिएटिव पार्ट में आर्यन का बहुत हाथ है। बेसिकली आर्यन के बारे में बताना चाहूँगा, आर्यन दिल्ली से हैं, सबसे अच्छी बात यह है, इसलिए हम दिल्ली में ये लॉन्च कर रहे हैं। मेन रीज़न ये था कि दिल्ली में लॉन्च करने का, कि आर्यन खुद यहाँ से दिल्ली से हैं और एक बड़े समाज से हिस्सा रखते हैं और काफ़ी प्यार करते हैं इनको लोग। मुंबई में भी हम इनको बहुत सराहते हैं और अच्छे एक्टर हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी नेक्स्ट जो सीरीज़ आ रही है उसमें भी मेन लीड आर्यन कर रहे हैं,
आर्यन, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको टॉकीज और बेदात के साथ? उसके बाद हम दूसरी वेब सीरीज की बात करेंगे। हेलो एवरीवन, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। बेदात का काफ़ी टफ सफ़र था, मतलब एक साइको का करेक्टर उसमें काफ़ी फेस थे, बच्चे का भी फेस था, फिर एक साइको का भी फेस था, एक नॉर्मल फेस था, एक साथ चार चार चीज़ें एक साथ करने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बट अच्छा था, चैलेंजिंग था, तो मज़ा आया काफ़ी बेदात करने में। बट आप लोग जनरली इस मूवी को देखोगे, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरी मूवी है या मेरी वेब सीरीज है कि आप लोग देखो, मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, बट मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार आप सभी लोग इसको देखें। एक चाइल्ड एब्यूजमेंट पे मूवी है जो काफ़ी अच्छी लगेगी आपको, सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी देखें, इसको प्रमोट भी करें। थैंक यू। तो बारिश ही बारिश थी, बहुत बार शूट भी रुक जाता था, तो काफ़ी मज़ा आया। अच्छा, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या रही आपके साथ इस पूरी वेब सीरीज के अंदर? कोई ऐसा मोमेंट या कोई ऐसा सीन जो आपको हमेशा याद रहने वाला है? या वो सीन कोई भी नहीं भूल पाएगा, अगर शायद वो 12 साल का बच्चा है। ये लोग भी वो डायलॉग हमेशा मारते रहते हैं। उसमें क्या, मैंने 12 साल के बच्चे की आवाज़ निकाली है। ओके। और मैंने उसको प्ले करा है कि मैं बड़ा हो गया, मेरे को एक वो 12 साल का दर्द वापस लाना है, तो मैंने वो आवाज़ भी निकाली है। तो वो बड़ा इमोशनल सीन था, जहाँ मेरे को जो ट्रॉली जब ऐसे चल रही थी तो मेरे को काफ़ी टेक देने पड़े थे, तो उनको बाबा मेरी आँख से एक ड्रॉप चाहिए थी, वो नेचुरली मेरे को ड्रॉप निकाल ली थी बाबा रो रो के। तो उस टाइम पे थोड़ा सा काफ़ी मतलब वो सीन काफ़ी अच्छा था। ओके। तो सर एक चीज़ और, इस मूवी में थोड़ा बहुत रोमांस भी होगा? मेरे साथ नहीं है यार। तो फिर मूवी में रोमांस कौन कर रहा है? तो एक चीज और बता दो सर, कि जो रोमांस है वो रोमांस करने का एक्सपीरियंस जो आपका वो कैसा रहा? मतलब आप रियल में रोमांटिक हैं या फिर सिर्फ मूवी के लिए आपने थोड़ा बहुत रोमांस किया? ये पर्सनल क्वेश्चन है। अच्छा, पर्सनल क्वेश्चन है, वो तो हमें मूवी देखने के बाद पता चलेगा। अच्छा सर, आपकी जो एक्सप्रेशन थे, उन एक्सप्रेशन में और अभी में कोई कह नहीं सकता कि ये वही है, राइट? तो सर ये जो एक्सप्रेशन है, आप बिल्कुल खो जाते हैं जब आप शूटिंग करते हैं, तो आप बिल्कुल कैरेक्टर के अंदर चले जाते हैं, तो ये आपके अंदर की जो लगन है, ये आपके अंदर की लगन है, कब से आपके अंदर लगन है कि मेरे को एक एक्टर बनना है और जो मेरे अंदर की कला है वो मेरे को एक स्क्रीन पर दिखानी है? वो 12 साल का बच्चा। अच्छा, वो 12 साल का बच्चा जिसको मारा गया था वही? नहीं, मारा नहीं गया था, वो तो मूवी देखो ना यार। अच्छा, हाँ, ये सारी चीजें नहीं बतानी चाहिए। आप लोग भी अगर जानना चाहते हैं कि क्या है इस मूवी के अंदर और क्या चीजें इंटरेस्टिंग है, तो जरूर आप लोग जाएं और डाउनलोड करें टॉकीज और वहां पे अपना OTP डालें, उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म पर जाके सारे लोग फैमिली के साथ इंजॉय करें, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप फैमिली के साथ में मूवीज देख सकते हैं, वेब सीरीज देख सकते हैं। हमारे डायरेक्टर ने इतने अच्छी अच्छी मूवीज उसके अंदर डाले और वो बिल्कुल प्राउडली ये चीज़ कह रहे हैं कि आप लोग फैमिली के साथ देख सकते हैं। काफ़ी सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं सर, जहाँ पे कुछ मूवीज़ या कुछ वेब सीरीज ऐसी हैं जो लोग फैमिली के साथ भी नहीं देख सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा सर को कि आप लोगों ने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि वहाँ पे आप बेझिझक अपनी फैमिली के साथ साथ में इंजॉय करके वो मूवी या वेब सीरीज देख सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ मेरे, हाँ या ये तो जरूर बनता है, सीरियसली निकालना पड़ेगा क्या? या श्योर। ओके। वो 12 साल का बच्चा, वो चिल्ला के डायलॉग था वो पूरा, तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, तब उसके बाद मैं डायलॉग आपको पक्का बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, उसमें एक सीन होता है कि वो किसी को मतलब याद दिलाता है कि तुम्हें याद है क्या उस टाइम 12 साल पे मेरे साथ क्या हुआ था, तब वो ये डायलॉग पूरा उस टाइम पे बोलता है कि वो 12 साल का बच्चा, याद है जब वो रोता था गाता था, तेरा सिर पे मेरे हाथ आता था, तूने कभी मुझे हाथ नहीं छूने दिया। तो ये ऐसे करके बहुत बड़ा डायलॉग है, वन लाइन में पूरा डायलॉग था। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां।